हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फटारो। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो थैंक्स फॉर द सब्सक्रिप्शन, क्योंकि सब्सक्रिप्शन की वजह से वीडियोस उन तक पहुंचती है जिनको इन गाइडेंस की ज़रूरत हो, कुछ सुनना ज़रूरी था उस वक्त के लिए, उस एनर्जीज के लिए। तो इसलिए और 555 एंजल नंबर आपकी लाइफ में मेजर एंड पॉजिटिव चेंज लेके आए, यही यूनिवर्स से रिक्वेस्ट है और यही उम्मीद भी। तो जैसे आपने टॉपिक पढ़ा है कि आपसे कौन जलता है, कोई बुरी नज़र रखे हुए हैं या डाले हुए हैं, जानने की कोशिश करते हैं। लेट्स सी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि है कितने ही पता नहीं, बट कोई खास फील होता है ना, जैसे कि काफ़ी जलता है आपसे। जलता मतलब सामने आपके बहुत ज़्यादा ना अच्छे बनते हैं, लाइक आपकी तारीफ वगैरह सब करेंगे, लेकिन पीठ पीछे कुछ इंटेंशन ही अलग है। तो स्टार्ट करते हैं। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, जैसे मुझे फील हुआ डेथ, दो कार्ड्स, सेवन ऑफ कप्स, द डेविल, नाउ लिया और शैतान हाजिर। मैंने कहा था ना, जस्टिस। Ace of Wands, Nine of Cups, Knight of Wands, Wheel of Fortune, और Seven of Wands। बॉटम डेक है द मैजिशियन, और यहाँ से फील हो रहा है कि बहुत नेगेटिव एनर्जी है, बहुत अंधविश्वास की बात नहीं है, ब्लैक मैजिक का जैसे भी एक फील हो रहा है कि जो जलने वाला इंसान है ना, कुछ केसेस में ना लिटरली ब्लैक मैजिक किया हुआ है, ब्लैक मैजिक जैसा फील हो रहा है। फील हो रहा नहीं, कंफर्म है। नेगेटिव एनर्जी बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है उस इंसान की, आप लोगों के ऊपर। तो पहले जानने की कोशिश करते कि ये जलन है ना, वो क्यों है। जलन ये है कि मतलब कितने सारी जगह है जहाँ पे आपकी रिलेशंस की बात करूँ, आपकी वर्क लाइफ की बात करूँ, मतलब आपकी वर्क लाइफ या आपकी जो सोशल लाइफ होती है ना, फैमिली लाइफ या कुछ भी, एक समाज में वाली एक इमेज, या आपकी जो फैमिली फैमिली या सोशल इमेज बोलते हैं ना, कि लोग समाज में आपकी कैसे इज्जत है वगैरह सब चीज़, ये इस इंसान को बहुत खटकती है। आपके सामने ये इंसान मतलब इतना अच्छे से बात करता है, लेकिन कि आप तो बस सही है, मतलब आपने क्या किया है, लाइक ना आपने मतलब अपनी अपना ख्याल क्या रखा है, आपने ये किया है, आपने ये अचीव किया है। वर्क लाइफ में मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग भी दिख रहा है, वर्क लाइफ में जो मेल्स हैं ना उनके वर्क लाइफ में मुझे दिख रहा है, और जो फीमेल्स है उनकी लाइक फैमिली और ओवरऑल लाइफ में मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है। यहाँ पे वर्क लाइफ में अगर मैं बात करूँ ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ये इंसान आपकी तरक्की से जल रहा है, आपको जो मतलब जो न्याय मिलता है, या उनको ऐसा लगता है ना कि आप लकी हो,
लकी हो कि आपको प्रमोशंस मिल गए या फिर आपको कुछ मिलता है या अच्छा जॉब मिल रहा है या कुछ भी चीज़ है ना, वो उनको से लगता है कि वो मतलब लकी है, मतलब जस्ट ये वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा, लाइक आपकी हर विश पूरी होती है, ये वाली एक एनर्जी है। ये इंसान स्पेशली अगर फीमेल्स के बारे में बात करूँ, मेल्स के बारे में भी हो सकता है बट फीमेल्स की बात करें ना, तो ये इंसान अब फिजिकल अट्रैक्शन के ऊपर बहुत ज़्यादा हावी है, बहुत निगेटिव एनर्जीज हैं, बहुत ज़्यादा लाइक ये है। और इवन जो फीमेल्स फीमेल्स का एक जलन है ना, वो भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, काफ़ी ज़्यादा। ये लिटरली मतलब आपके लुक्स, आपका लकी होना, आपके रिलेशंस, हर चीज़ में ऐसा लगता है ना कि इस जो फीमेल है ना या मेल को ऐसा लगे ना कि आपका रिश्ता टूटना चाहिए, आपका आपके साथ है ना बस सब कुछ जो है ना ऐसा लकी लकी और सब कुछ जैसे मतलब सब कुछ जैसे आपके पास ही है, आपकी हर विश पूरी होती है, आपके पास ऑप्शंस होते हैं, हर चीज़ के लिए ऑप्शंस होते हैं, आपकी लाइफ में कुछ जैसे बदलता ही नहीं है। आपके लाइफ में कुछ होता भी है ना, तकलीफ हो, कुछ भी परेशानी आई, तो ऐसे नहीं पड़ जाती है, ऐसा उनको लगता है। ये बहुत बहुत कुछ हद तक मुझे ऐसा लगना ना कुछ केसेस में जो थर्ड पार्टी इश्यूज है ना, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा ना ये कर रहे हैं, बुरी एनर्जीज डाले हुए हैं। मैं इसे अंधविश्वास से नहीं बोल रही हूँ, ये एनर्जी फील हो रही मुझे, आई डोंट नो, मतलब मेरे को ये सब वाइब हो रहा है। और ये जो चीज़ है ना कि जैसे आपके हाथों में ना कुछ आना नहीं चाहिए, आपके हाथों में मतलब आपका रिश्ता हो, आपके जॉब करियर बिजनेस हो, हर चीज़ में ना आपकी स्ट्रगल हो जाए, आपको कुछ मिले नहीं, वो वाली एनर्जीज बहुत है। और जो कुछ लोगों के ऊपर ना फिजिकल अट्रैक्शन मतलब जो बोलते हैं ना एक बुरी नज़र रहती है, वो बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली, बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली, इस कदर स्ट्रांगली ना कि आपका हर रिश्ता ख़राब हो, हर रिश्ता ख़राब, ये वाली एनर्जीज है। मतलब आप है ना हर जगह से खाली हो जाओ और उनके आगे घुटने टेक जाओ या उनके आगे बस आने चाहिए, ये वाली एनर्जीज फील होती है कि बस सब कुछ ख़त्म हो जाए, आपके पास सब ऑप्शन ख़त्म हो जाए और उनके सिवा कोई ऑप्शन उनके आपके पास बचे नहीं, ये वाली मतलब इतनी मतलब बोलते ना एक ऑब्सेशन जैसा फील होता है, इतनी एनर्जी मतलब ये इंसान का है। सॉरी बहुत अजीब एनर्जी, बहुत ही ज़्यादा अजीब एनर्जी। लेकिन मुझे से लगता है ना कि ये जो भी इंसान है, जो जितनी भी बुरी चीज़ डाला ना, वो जानता नहीं है कि उस वो किस इंसान से डील करता है ना, क्योंकि एस्ट्रोलॉजिकल कॉम्बिनेशन ऐसे होते हैं या जनरली भी जो इंसान कुछ होता है ना, जो लोगों को लगता है ना कि बहुत मतलब नसीब से है, ये तो भाई इंसान बहुत लकी है, ऐसा है कि इसको रिलेशन अच्छे मिले, वाइफ अच्छी मिली, हस्बैंड अच्छे मिले, प्यार अच्छा मिला, जॉब अच्छी मिली, बिजनेस अच्छा चल रहा है, ये सब चीज़ें ना हर टाइम लकी नहीं होती। हर मतलब मोस्टली जो जो मुझे मेरे व्यूवर्स हैं, मेरे साथ जो कनेक्टेड लोग हैं, उनको कोई भी चीज़ है ना इतनी लक से नहीं मिले, मतलब इतनी लक से नहीं मिले, कम से कम या तो जॉब लक से नहीं मिला है, या बिजनेस पैसा वैसा लक से नहीं मिला है, या तो रिलेशनशिप्स लक से नहीं मिले, मतलब लक से मिले हो या एक कनेक्शन इसलिए, बट इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल, बहुत रोना धोना और बहुत तकलीफ है। ऐसा नहीं है कि सब कुछ मिल रहा है और मिलते जा रहा है, सब कुछ है इसके पीछे जो बोलते ना एक लोगों को क्या लगता है, कामयाबी दिखती है, सक्सेस दिखती है और बस अच्छा ही दिखता है सब कुछ, इसके पीछे जो डार्क सीक्रेट होता है या तकलीफ होती है वो किसी को नहीं दिखते। तो लोग तो क्या भाई, कुछ लोग हैं उनका कुछ किया नहीं जा सकता कि जलन है, बस किसी का बुरा चाहना है, ये सब है। लेकिन जो लोग बहुत मेहनती होते हैं या इस तरह से
मतलब ना इतना तकलीफों से गुजरने वाले लोग हैं ना, उनके पास ना एंजेलिक प्रोटेक्शन रहता है। तकलीफें उनके पास एवे नहीं आई है, मतलब ऐसे ही नहीं आई है, उनकी कुछ लाइफ पर्पस, लाइफ पाथ की बात थी। लेकिन इसके बावजूद भी उनके आसपास में कहीं एंजेलिक प्रोटेक्शन रहता है, तो ऐसे एनर्जीज तो डालते हैं रिश्ते के ऊपर, इंसान के ऊपर, कि जैसे कोई अचानक से बीमार पड़े या फिर रिलेशन ही टूट जाए, खराब हो जाए, मतलब वो सब चीज़ें रहे। लेकिन लेकिन कैसे है ना, कि जब ऊपर वाले की मर्जी नहीं हो तो कितना भी कि आपका रिलेशन में सेपरेशन हो या टूटना, बिछड़ना, मिलना, हर चीज़ है ना एक अलग फेज में जाता है, एक सिचुएशंस में जाता है, एक कर्मा का बंधन के हिसाब से जाता है। बट इनकी वजह से इस पे पर असर नहीं गिरे, ये बात मैं आपको बता रही हूँ। ये इंसान से आपको बच के रहना है, क्योंकि कैसा है ना कि आपको इन चीज़ों में अपनी एनर्जीज को इन मतलब ना वेस्ट नहीं करना है। ये लोग ना एनर्जी खींच लेते हैं, एनर्जी आपकी पॉजिटिव एनर्जी खींच लेते हैं, आपको इतनी नेगेटिव एनर्जी सेंड करते हैं ना कि आप पॉजिटिव रहना चाहते हो, आप करना चाहते हो, बट समाव आपको फील होगा कि अचानक से मुझे मतलब कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, मैं काम करना चाहता तो हूँ लेकिन नहीं हो पा रहा है। समाव जाते ही आपको ऑफिस में ऐसा लगे कि सर दुखने लगा है या फिर मन नहीं कर रहा है कुछ, ये वाली फीलिंग्स हो, या फिर इवन जो लेडीज़ हैं उनको भी अजीब सा मतलब एक फीलिंग्स होती है कि अजीब है कुछ, अजीब मुझे मतलब ऐसा फील होता है ना कि कुछ लोगों को लिटरली कभी कभी इतना मतलब आपने कुछ मतलब अच्छे से तैयार हुए हैं कुछ, तो लिटरली ऐसे ना उल्टी उल्टी हो सकता है, इतनी एनर्जी मुझे निगेटिव फील हो रही है। तो अगर ऐसा कुछ है ना तो कमेंट में बताइए, क्योंकि मुझे ऐसा एनर्जी फील हुई है कि इतनी निगेटिव एनर्जीज है वो, क्योंकि वो एनर्जी ना, वो निगेटिव एनर्जी आप ले नहीं पाते, उसको थ्रो आउट करता होता है, तो ये एनर्जी है। लेकिन जैसे सॉल्ट बाथ रेमेडी है कि आप नहाने के पानी में सॉल्ट डालेंगे और बालों पे नहीं डालना पानी, लास्ट मग है वो सॉल्ट वाटर का लेना है, तो उससे निगेटिव एनर्जी हमेशा क्लीन रहती है। अपनी स्पेशली अपनी सोने की जगह है, मतलब जहाँ पे आप सोते हैं वहाँ पे स्पेशली जब स्पेशली रात को सोने से पहले जो क्लिंजिंग है स्पेशल, लाइक कि कपूर का दिया हो या कुछ है, कपूर की क्लिंजिंग एनर्जी ज़रूर कीजिए। जो भी आपकी कल्चर है, रिलीजन है, उस हिसाब से जो भी क्लिंजिंग जिस तरह से करते हैं, सेज है, उससे किया कीजिए, क्योंकि ये चीज़ें ना एनर्जी ड्रेन कर रही है, मतलब आपको ना आगे बढ़ने की बजाय पीछे खींच रही है। समा मुझे ऐसा लगा कि ये रीडिंग मुझे करनी चाहिए, कि कुछ तो है जो कुछ बांध रहा है, कुछ खींच रहा है पीछे, ये भी हो सकता है। इट्स वन ऑफ द रीज़न कुड बी, सिर्फ आपकी कार्मिक सिचुएशंस ही नहीं है, ये भी आपका एक कर्मा का पार्ट था कि ये कार्मिक्स को भी आपको नो क्लियर करना है, क्लियर उनकी एनर्जीज को भी क्लियर करना है, तो वो भी एक हो सकता है। तो बहुत हैवी एनर्जी है, बहुत है। आई होप कि ये नेगेटिव एनर्जीज अगर आपके वर्क कर रही है तो उसका जो वर्क करना है बंद हो जाए। आई एम जस्ट रियली होपिंग फॉर द बेस्ट, लेट्स सी। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स एंड थैंक यू यूनिवर्स।